बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर्स का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको कोमास सही से लगाने हैं और न्यूमरल्स उसके लिखने हैं। कैसे क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़कर दिखाती हूँ। प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आपको एक जो नंबर दिया हुआ है, नंबर इन वर्ड्स, उसको आपको नंबर इन फिगर्स लिखना है, उसको आपको नंबर्स में लिखना है, ठीक है, और उसको आपने कोमास के साथ लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर जो है वो आपका क्या है, पहले वो देख लेते हैं। 73 लाख 75,307, ठीक है। तो क्या है ये, पहले इसी को लिखते हैं। देखो 73 लाख, उसके बाद क्या है 75,000, उसके बाद क्या है 307, ये आपका नंबर है। देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख एंड 10 लाख, ठीक है ना। और कोमा कैसे लगता है, सबसे पहले हंड्रेड से पहले, क्योंकि आपका इंडियन सिस्टम है ये, फिर आपका थाउजेंड से पहले, फिर और आगे होता तो लाख से पहले। तो आपका ये पूरा सही से डिजिट लिखेंगे एक बार, कैसे बनेगी आपकी 73 लाख 75,307, ठीक है। देखो ये है आपका बी पार्ट, 9,05,41,000। इस तरीके के क्वेश्चन मुझे पता ही है आप लोगों को, बच्चों को कितने ट्रिकी टाइप लगते हैं, भाई ये क्या आ गया हमारे सामने, भाई इतनी सारी इसमें डिजिट्स आने वाली हैं और ये वर्ड्स ओनली 6 हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी वे में इसको पहले लिखना सिखाने वाली हूँ। कैसे, देखो सबसे पहले ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए लंबे लंबे से आपके करोड़ में आ जाएँ, तो आप सबसे पहले ना ऐसे लिख के देखा कीजिए, वंस, सबसे पहले पूरा उसको लिखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, एंड फिर है आपका करोड़। अब आपका क्वेश्चन क्या है, 9,05,41,000, ठीक है। अब इतना लंबा है आपका क्वेश्चन है ना, अभी आप खुद देखेंगे। देखो सबसे पहले आपको करोड़ में फिल करना है, करोड़ में क्या है आपका 10 करोड़ तक नहीं जा रहा है, ये सिर्फ करोड़ तक है, तो आपने इसको क्या लिखना है, 9, पहले आप यहाँ पे 9 फिल करेंगे। उसके बाद क्या है, 5 लाख, अब आप देख रहे हैं 55 लाख नहीं है, सिर्फ 5 लाख है, तो फिर आपके 10 लाख में क्या आ जाएगा, 0, 5 लाख में आ गया ये। अब आप देख रहे हैं आगे 41 है, कोई हंड्रेड नहीं है, कोई थाउजेंड नहीं है, कोई 10,000 नहीं है, तो इन तीनों में आप क्या लगाएंगे, 0, और आप लगाएंगे 41, ठीक है। तो ये बनता है आपका 9,05,41,000। अब कॉमास कैसे लगने वाले, इंडियन सिस्टम है क्योंकि ये, ठीक है, तो कैसे लगने वाले कोमा, पहले हंड्रेड से पहले, फिर थाउजेंड से पहले, फिर लाख से पहले, ठीक है। दोबारा से इसको मैं अलग से लिख के दिखाती हूँ, 9,05,00,041, इस तरीके से आपने ये लिखना है, ठीक है। ये आपके न्यूमरल्स में भी हो गया और आपके कोमास भी लग गए हैं, ठीक है। चलते हैं अब सी पार्ट पर, जो आपका लिखा है मैंने 7,52,21,302। सिंपल सा तरीका जो मैंने बताया है, सबसे पहले आप ऐसे लिख के रखो, वंस, टेंस, जहां आपको सिंपल लगता हो वहां आप नॉर्मली लिख के देख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूंगी कि अगर आप मेरे तरीके से लिखेंगे ना, तो आपका इक्वेशन कभी गलत नहीं होगा, ये वाला, ठीक है। देखो वंस, टेंस, हर काम को करने का जैसे एक परफेक्ट तरीका होता है, वो परफेक्शन सिर्फ टीचर ही दे सकता है, ठीक है, जो मैं आपको दे रही हूँ। देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, एंड देन है आपका करोड़। अब इन्हीं के नीचे सिर्फ आपको डिजिट्स लिखते जाना है बहुत इजीली। अब क्या है, 7 करोड़ है, तो 7 लिख दिया भाई, 7 करोड़। आगे क्या है, 50, क्योंकि 10 करोड़ तक क्योंकि नहीं जा रहा है, सिर्फ 7 तक ही है। उसके बाद क्या है, 52 लाख, 52 है, तो भाई 10 लाख के पीछे 5 हो गया, लाख के नीचे आ गया आपका 2,
52 लाख, फिर आपका क्या है 21,000 है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा 2 इधर 1 इधर, फिर आपका क्या है 302, कितना इजीली आपका ये आ गया है, बहुत ही आसानी से आपको इतना, नहीं तो वो कहीं पे ज़ीरो है, कहीं पे कुछ है, आपको लिखने में कितनी दिक्कत हो सकती थी। और कोमा कैसे लगेगा, पहले 100 से पहले, फिर 1000 से पहले, फिर लाख से पहले, ठीक है। फिर से दोबारा अच्छे से साफ साफ लिख के दिखाते हैं, 7,52,21,302, क्या बनाइए 7,52,21,302, ठीक है। ये है आपका डी पार्ट, देखो क्या है, पहले बोल के बताते हैं, 58,423,102। नॉर्मली सबसे पहले भाई न्यूमरल्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे इसको वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है। फिर क्या है आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, ये आपके हंड्रेड्स वाले, ये आपके थाउजेंड्स वाले, और फिर क्या आ गया वंस, टेंस, हंड्रेड, ये आपके मिलियन वाले, ठीक है। नॉर्मली हम इसके नीचे पुट करने वाले हैं, कैसे पुट करेंगे, अब मिलियंस में आपका हंड्रेड्स तक नहीं है, 58 मिलियन है, ठीक है। तो इसके नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो 58 यानी कि वंस टेंस वाला, वंस और ये टेंस, 58 यहाँ हमने लिख दिया। फिर क्या करना है, मिलियन, मिलियन हो गया फुल, 423,000, तो 423 लिखना है ना, 423,000, ठीक है, ये थाउजेंड्स के हो गए। और फिर क्या है 102, ये आ गया 102, ठीक है। बहुत ही आसान इसका तरीका है ये वाला, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। और नॉर्मली इसमें कोमा कैसे लगते हैं, पहले हंड्रेड्स से पहले, फिर थाउजेंड से पहले, ठीक है, यानी कि आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें 3-3 से पहले कोमा लगते हैं, और जो इंडियन सिस्टम है उसमें 3 के बाद 2-2 का गैप लेकर कोमा लगते हैं। अगेन इसको लिख के दिखाती हूँ कैसे, 58,423,102, ये है आपका आंसर, ठीक है। देखो ये है आपका ई पार्ट, क्या है सबसे पहले आपका ई पार्ट क्या है वो डिस्कस करते हैं, क्या है 23,30,010, कैसे लिखेंगे अब इसको, सिंपली वही तरीका हमारा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख एंड 10 लाख, देख रहे हैं आप 10 लाख तक ये, उसके आगे नहीं है, तो इसके नीचे अब सिंपली हम पुट करने वाले हैं, कैसे 23 लाख है, 23 लाख है, फिर क्या है हमारा 30,000 है, 30,000, फिर क्या है 10, यानी कि कोई 100 जिसमें नहीं है, तो 10 तो यहाँ आ गया आपका, और बीच में क्या आ गया 0, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। और कॉमाज आपके कैसे लगेंगे, पहले 100 से पहले, फिर आपके 1000 से पहले, ठीक है। क्या बना फिर आपका ये 23,30,010, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियोस को लास्ट तक देखा कीजिए ताकि आपको समझ भी आ सके और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।